यार गगन भाई, यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ भाई। हम सीखेंगे पांच बैटिंग की ऐसी ड्रिल्स जो आप घर में आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे पुल शॉट की। दोस्तों, फिफ्थ ड्रिल में हम एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं। यार गगन भाई, यार मैं बहुत परेशान हो गया हूँ भाई। अरे गौती भाई, क्यों, क्या हुआ? यार मेरी बैटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं हो पा रही है घर पे। अरे आपका भाई है ना, इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं इतनी मस्त मस्त बैटिंग के ड्रिल्स बताने वाला हूँ। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? क्रिकेट कार्डियो की नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका चैनल होस्ट गगन सांगवान। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पांच बैटिंग की ऐसी ड्रिल्स जो आप घर में आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो घर की कोई भी चीज नहीं टूटेगी। तो सीधा अब हम चलते हैं ड्रिल्स पे। तो दोस्तों, सबसे पहली ड्रिल में हम काम करेंगे अपनी ड्राइव्स के ऊपर। इसमें आपको कोंज की जरूरत पड़ेगी, कॉस्को बॉल्स की जरूरत पड़ेगी, अपने बैट और एक गद्दे की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज खरीदनी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मैंने ये कोंज कुछ 350 रुपए के लिए थे। फिर दोस्तों, आपको अपने तीन कोंज ऐसे लगा देने हैं। ये आपकी स्ट्रेट ड्राइव के लिए हो जाएगा, ये कवर ड्राइव के लिए और ये ऑन ड्राइव के लिए। और इनके ऊपर आपको बॉल रख देनी है। अब सिंपली आपको अपना वहां पे स्टांस लेके और कोंस की तरफ जाके उन्हें स्ट्रेट बैट से ड्राइव मारनी है। ये बहुत ही सिंपल सी ड्रिल है, आप घर में आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी ड्रिल में हम प्रैक्टिस करेंगे कट और फ्लिक शॉट की। ये जनरली आप फास्ट बॉलर्स के भी मारते होंगे और स्पिनर्स के भी मारते होंगे। इसके लिए आपको अपने एक फैमिली मेंबर की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आज मेरे साथ मेरा कजन भाई है। ये मुझे बॉल फीड करेगा और मैं उसको कट और फ्लिक शॉट मारूंगा। और इसके लिए जहां पे आप कट मार रहे हो या फिर फ्लिक शॉट मार रहे हो, वहां पे गद्दा रखना ना भूलिएगा, वरना घर में कोई भी चीज टूट फूट सकती है। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब और कर दो यार। अब हम चलते हैं तीसरी ड्रिल पे। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे पुल शॉट की। पुल शॉट और इसके साथ साथ हम थोड़ी लीव, मतलब जो बाउंसर्स आती है, आप हर एक को तो पुल शॉट मारोगे नहीं, क्योंकि जो आपके हेड के पास आएगी उनको लीव भी करना पड़ता है। तो इन दोनों की प्रैक्टिस हम इसी से करेंगे। ये मेरी पर्सनली फेवरेट ड्रिल है। अब दोस्तों, फोर्थ ड्रिल में हम प्रैक्टिस करेंगे स्पिन बॉलिंग के लिए। इसके लिए आपको एक लकड़ी के फट्टे की जरूरत पड़ेगी। लकड़ी का फट्टा हो या फिर कोई भी आपके पास कोई प्लेन चीज हो, जैसे कोई मार्बल हो, कोई टाइल हो, तो ये आप चीज इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं लकड़ी के फट्टे को मैंने एक साइड से थोड़ा सा उठा रखा है। उसके नीचे आप कोई भी कपड़ा या फिर टिश्यू विश्यू कोई भी चीज नीचे रख सकते हैं। और दूसरे एंड को मैंने टेपिंग से पैक कर रखा है, ताकि ये लकड़ी का फट्टा इधर उधर हिले ना। अब जब राइट हैंडेड बैट्समैन इसके ऊपर बैटिंग करेगा, मतलब जब बॉल इसके ऊपर टकराएगी, तो ये राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए ऑफ स्पिन बन के आएगी। और ऐसी ही चीज आप लेग स्पिन के लिए भी कर सकते हैं। लेग स्पिन के लिए आप ये वाली साइड उठाइएगा और दूसरी साइड से टेप लगा दीजिएगा। तो ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों इसमें आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, फिफ्थ ड्रिल में हम एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं। ये गेम मैंने घर में इन्वेंट करा था। इसमें हमें क्या करना है, जैसे ये आप देख सकते हो, ये मेरी विकेट होती है
यहाँ पे मैं स्टांस लेके खड़ा हो जाता हूँ, मैं अपने जो मेरा बड़ा भाई था उसे बॉल डालने के लिए बोलता हूँ, वो ऑफ स्पिन या लेग स्पिन कोई भी मिक्स करके डालता है, और जैसे ही मैं उसे शॉट खेलूंगा अगर वो डायरेक्ट यहाँ पे जाके लगी तो मैं आउट, अगर डायरेक्ट दीवार पे जाके लगी तो मैं आउट, और वन टेप वन टेप जो भी मतलब आपके गली के रूल्स होते हैं, तीन बॉडी तीन मिस और वन टेप आउट, ये सारे गली वाले रूल्स हम यहाँ पे रखते हैं, और जितना मतलब मैंने एक टच कर दिया तो मेरा एक रन होएगा। वैसे मैं पहले टारगेट सेट करता हूँ, उसके बाद भाई खेलता है और भाई चेज करता है ये टारगेट। अब मैं दिखाता हूँ कैसे, अभी आप देख सकते हैं मेरे बड़े भाई ने लेग स्पिन फेंकी थी तो इसमें मैंने फ्रंट फुट पे जाके डिफेंस कर दिया। अब मेरा भाई कुछ ऑफ स्पिन भी फेंकेगा, ये छोटी लेंथ थी तो इसलिए मैंने बैकफुट पे जाके ऐसे इसको थोड़ा सा डिफेंस कर दिया। तो ये छोटी छोटी आप छोटी छोटी गेम्स अपने आप इन्वेंट करके घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी 5 रील्स अब यहाँ पे खत्म होती है। तो गौती भाई, मैं आशा करता हूँ आपकी इस वीडियो से काफी हेल्प हो जाएगी, और जो भी मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं आप भी ये बैटिंग की प्रैक्टिस घर में आसानी से कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप विद पैड्स मतलब पूरा पैडअप होके उसके बाद प्रैक्टिस करें या फिर विदाउट जैसे मैंने आपको करके दिखाया वैसे प्रैक्टिस करें। और हाँ यार दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा क्योंकि आप घर में खेल रहे हो, कुछ भी चीज़ क्योंकि काफ़ी कीमती कीमती चीज़ें होती है घर में तो वो टूट ना जाए, थोड़ी अपने सावधानी बरतिएगा वरना हड्डियाँ तोड़ने में मम्मी पापा टाइम नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट में आप अपनी क्वेरीज और कोई भी सवाल वाल इस वीडियो से रिलेटेड है तो आप ये ज़रूर करके मुझे बता सकते हैं। और आने वाली वीडियो जैसे आज मैंने एक बैट्समैन के लिए बताई, वैसे ही मैंने बॉलर्स के लिए भी वीडियो प्लान की है और एक फील्डर्स और विकेट कीपर्स के लिए भी वीडियो है, तो ये पूरी सीरीज मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर लाने वाला हूँ। अब मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।